शहर के कबीर चौक के पास स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज आग लग गई। घटना दोपहर करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। बैंक स्टाफ की माने तो बैंक के पास एक ट्रांसफार्मर है जिसमें स्पार्किंग हुई, उसकी वजह से बैंक में आग लग गई। सूचना पाकर पुलिस व फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। बैंक अधिकारी बताते हैं कि इस आग से क्या नुकसान हुआ है वह पड़ताल के बाद मालूम हो पाएगा। आग किन कारणों से लगी है यह भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन बैंक का एटीएम गार्ड बताता है कि आग स्पार्किंग की वजह से ही लगी है। बैंक में आग के कारणों का तो अभी पता नहीं, इसकी तो इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन जैसे ही हमें खबर मिली हमारे उत्पदाधिकारी की तरफ से तो हम तुरंत यहाँ लौटे, तो उससे पहले फायर ब्रिगेड आई हुई थी। जो एटीएम के जो गार्ड है उन्होंने देखा आग लगी हुई थी, तुरंत उन्होंने कॉल किया फायर ब्रिगेड का, उसने अपनी तत्परता से अपनी कार्रवाई को अंजाम करवाया। और कल छुट्टी थी, आज भी छुट्टी, आज संडे है, तो थोड़ा उस काम में इनको फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को समय लगा दीवार तोड़ने में या ताला तोड़ने में। इतनी देर में हम सारे पहुंच गए थे, तो जो कार्रवाई थी वो उन्होंने अपनी तरफ से अंजाम कर दी। क्या नुकसान का तो अभी ना हम अंदाज़ा लगाना, हमारी टीम आएगी सिक्योरिटी की, वही एडजस्ट कर पाएगी। बाकी हमारा कैश सेफ है, हमारे डॉक्यूमेंट सेफ हैं, हॉल में जो आग लगी है वो आपने देख ही ली है। मुख्य वजह क्या मानता है, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है? मुख्य वजह अब क्या हम इस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ ही है जिसके कारण आग लगी है। टेक्निकली तो अब इसकी टीम आएगी, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, वही बता पाएगी। हम तो अधिकृत हैं भी नहीं और ना ही हमें मालूम, ना ही हमारा ये फील्ड है। हरीश मोंगा है, मैं रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। जैसे ही मेरे को सूचना मिली कि ऐसे ऐसे करके बैंक में आग लगी है, तो मैं यहाँ पे पहुंचा। मेरे पहुंचने से पहले फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंच चुकी थी और वो अपना उन्होंने खिड़की वगैरह तोड़ के पीछे से दीवार तोड़नी शुरू कर दी थी। और इतने में हमारे चाबी, जिनके पास अधिकारी के पास चाबी है, वो भी आ गए। उन्होंने ताला तुला खोल के शटर वगैरह गेट वगैरह खोल के अंदर तक जो है फायर ब्रिगेड वालों ने आग पे काबू पा लिया। अब सारा कुछ नॉर्मल है। नुकसान कितना हुआ ये कह नहीं जा सकता, कैसे आग लगी है कैसे नहीं लगी ये तो अधिकारी कर्मचारी हमारे आएंगे तो वो बताएंगे। हमें तो इतना पता है कि बताया कि कैश का सारा ये बिल्कुल सही है, सेफ है, डॉक्यूमेंट सेफ पड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? किशान जी। सर आप मौके पे थे, किस तरह स्थिति हुई, किस तरह? पहले वो स्पार्किंग हुई उधर ट्रांसफार्मर से, उसके बाद मैं अंदर बैठ गया देख के, उसके बाद अंदर से धुआं आया। मैं फिर फायर ब्रिगेड को और बैंक के स्टाफ को एक को फ़ोन कर दिया था, ये ऐसे ऐसे धुआँ निकल रहा है। फिर फायर ब्रिगेड आई है, उसके बाद ये फिर बैंक के स्टाफ आए। उसके बाद कितने टाइम की वारदात थी, किस समय की कर? 2:15 बजे के आसपास की है जी, 2:20-22 के आसपास की है जी।